Hello everyone, how are you all? Okay my dear students, today we will start the lecture 2, history, class 8, how, when and where, kab, kaise aur kahan. I hope ki beta aapne pehle wale lecture ke andar mein aapne jana hoga ya samjha hoga, understood bahut achhi tarike se kya hoga ki kis tarah se British people, jo British log the wo yahan par ek यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने चालाकी से ट्रेड के थ्रू हमारी कंट्री को कोलोनाइज्ड कर दिया. वो यहाँ पर आए थे मेहमान बन करके और मालिक बन करके बैठ गए थे. ठीक है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पता किया था, हमने बताया था, अंडरस्टैंड किया था. ठीक है, आई होप कि वो बेटा अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो बेटा आज जो हम जिक्र करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि हमारी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन के बारे में. बिफोर द टॉकिंग अबाउट द पीरियडाइजेशन, आई वांट टू टेल यू वन थिंग बेटा. पीरियडाइजेशन का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियडाइजेशन? पीरियडाइजेशन का मतलब होता है कि टाइम को डिवाइड करना, टाइम को डिवाइड करना धीरे धीरे, कि ये इवेंट्स जब हुआ था, ये इवेंट्स जब हुआ था, ये इवेंट्स जब हुआ था, मतलब कि इवेंट्स को डिवाइड करना, उस इवेंट्स का एक पर्टिकुलर टाइम करना, उसे ही बोलते हैं हम पीरियडाइजेशन. या अगर आप सिंपल भाषा में कहें, अगर मैं नॉर्मल भाषा में अगर आपको बोलूं या इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा उसका मतलब होगा हिस्ट्री को डिवाइड कर देना. डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन होता है उसका मतलब. अब इसका मतलब बेटा, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं. देखिए, भारत की जो हिस्ट्री है बेटा, उसको एक पेज या एक कॉपी या एक किताब या दो चार किताब के अंदर में उसको लिमिटेशन नहीं किया जा सकता. भारत की जो हिस्ट्री है, ग्रेट इंडिया की जो हिस्ट्री है, इसको बेटा लिखने में, इसको बताने में बहुत से टाइम लगेगा. बहुत से बातें, बहुत सी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट. भारत की हिस्ट्री एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत लंबा चौड़ा बात है इसको. ये बात हमने हिस्ट्री में अच्छी तरह जानी कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड, फर्स्ट एशियन, फिर मेडिवियल एंड देन मॉडर्न हम कहते हैं. लेकिन बेटा इसके अंदर भी हमारे कई तरह के पीरियडाइजेशन हैं, अलग अलग हिस्से हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री को जानते हैं. अब एक बात और कि उसके अंदर में क्या है बेटा, हिस्ट्री को, हमारी हिस्ट्री को, भारत की हिस्ट्री को आई एम प्राउड कि इसको संभालने का जो श्रेय है, जो इसको भारत की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, वो बाहर के आए ट्रेवलर्स थे. अब ट्रेवलर मतलब जो बाहर के लोग थे, कुछ विदेशों के लोग थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा. क्योंकि भारत के बारे में लिखा, जैसे कि इब्न बतूता, जैसे इब्न, अगर आप देखो, आपने सुना होगा कभी, इब्न बतूता. ठीक है, इब्न तूता, बतूता बेटे, ये एक मोरक्को से आने वाला एक ट्रेवलर था जो भारत में आया. भारत में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी. उस बुक का नाम था रिहाला. क्या नाम था बेटा? उस बुक का नाम था रिहाला. ठीक है, इस बुक के अंदर में उन्होंने भारत की हिस्ट्री, जो हिस्ट्री, कल्चर, सिविक्स, पॉलिटिक्स और भारत के अंदर में होने वाले कस्टम्स के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लिखा कि भारत में किस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर था, भारत किस तरह से लोग रहते थे, लोग ये करते थे. उन्होंने इवन सारा जो सिविक्स, एक समाज में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज थी, उन्होंने अपनी इस बुक रिहाला में लिखा. तो भारत के जो ट्रेवलर आए, फिर उनके बाद में बेटा ये 13 सेंचुरी में आए थे. ये कब आए थे? 13 सेंचुरी में आए थे. ठीक है, उसके बाद में बेटा बहुत से, बेटा अगर मैं नाम लेने लगूं तो बहुत से ट्रेवलर थे जो वो यहाँ पर आए और भारत के बारे में लिखा. जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हम ज्यादातर बिलीव किस पे करते हैं? भारत से आए हुए ट्रेवलर पे. क्यों उसको पहले? वो इसलिए क्योंकि बेटा जो हमारे यहाँ पर जो हिस्टोरियंस थे राजा के टाइम में, जो राजा महाराजा के टाइम में, नवाबों के टाइम में जो हिस्टोरियंस थे, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय किंग और नवाब थे. वो राजा से और नवाब से, वो
उनके दबाव में रहते थे। सपोज मैं हिस्ट्री लिखने वाला हूँ और मेरे ऊपर में कोई राजा है, ठीक है, और वो बहुत खतरनाक है, अगर तुम मुझे हमेशा क्या रहता था बेटा, एक डर बना रहता था मेरे अंदर में कि अगर मैं कभी कुछ गलत लिख दूं या मुझे कुछ बेकार लिख दूं, ऐसा ना हो कि राजा मेरे को मरवा दे या कुछ कर दे, तो एक डर का भावना थी, एक डर की फीलिंग थी। और कुछ हिस्टोरियंस के अंदर में क्या थे, वो बटरिंग करते थे राजा की, ताकि राजा से अच्छे अच्छे गिफ्ट ले सके, राजा से अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल सके उनको, ठीक है। तो वो गिफ्ट के की वजह से या उनको ग्रीडीफुल होने की वजह से वो क्या करते थे, राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे कि राजा चलता था तो बहुत ज़्यादा धूलें उड़ती थी, राजा मैदान में जाने से पहले ही जंग जीत जाता था, राजा भाग जाता था, उनके राज में बहुत अच्छा टाइम था, राजा की सरकार बहुत पैसे वाली थी। तो बेटा हम ज़्यादातर वो जो लोग हम अपने हिस्टोरियंस की हिस्ट्री पर इतना बिलीव नहीं करते जितना कि हम बाहर से आए हुए ट्रेवलर्स पे करते हैं। जैसे मैंने बताया इब्ने बतूता, उन्होंने बुक लिखी रिहाला और उन्होंने भारत की हिस्ट्री को बहुत सुंदर सुंदर तरीके में बताया कि क्या थे, किस तरह से थे। फिर इसी तरह से बेटा मैग्निस्ट आए, वो आए कब थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जब वो मैग्निस्ट यहाँ पर आए तो उन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंडिका, उस बुक का क्या नाम था, इंडिका। इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो मौर्य एम्पायर था उसमें क्या होता था, उसकी सोशल कंडीशन कैसी थी, सिविक्स कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, लोग क्या रहते थे, कैसे रहते थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लिखा। इसी तरह से बेटा इजिप्ट के किंग टॉलमी यहां पर आए और उन्होंने लिखा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और हम उस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे बहुत अच्छी तरह से बिलीव करते हैं क्योंकि उन्होंने जो भारत की ज्योग्राफी के बारे में लिखा कि यहाँ पर इस तरह का कल्चर था, यहाँ पर ऐसे माउंटेन थे, यहाँ पर इस तरह का नदियाँ थी, ये थी, पेड़ थे, पौधे थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी। उन्होंने एक बुक और लिखी द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, तो हम उनकी हिस्ट्री में भरोसा करते हैं। फिर बेटा हमारे और भी कई ट्रैवलर थे जैसे कि अल बरूनी ने एक किताब लिखी जो अरेबियन कंट्री से आए थे, ये सारे ट्रैवलर भारत में आए थे जो अरेबियन कंट्री से आए थे, और इन अरेबियन से जो आए थे उनका नाम था, एक का नाम था अल बरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था तहकीके हिंद। तहकीके हिंद मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उन्होंने बुक लिखी और उस बुक के अंदर में भारत के उन्होंने भी वही कल्चर, सिविक्स कल्चर, पॉलिटिकल, उनकी हमारी एक्टिविटी, हम क्या करते थे, किस तरह से, तो ये करते थे। अब बेटा मैं आपके दिमाग में शायद ये बात चल रही होगी कि बेटा ये सर ये इतने लोग वहाँ से क्यों आए और हम इन्हीं की बात पर क्यों भरोसा करें, ठीक है, वो इसलिए माय डियर स्टूडेंट क्योंकि ये जो लोग थे ये इन्फ्लुएंस से परे थे, इनके अंदर में दिमाग के ऊपर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी राजा का डर नहीं था, किसी नवाब का डर नहीं था, ये बातें वो लिखते थे जो सच्ची होती थी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि भारत के सारे ही हिस्टोरियन बेकार थे, और भी थे, जैसे हड़प्पा संस्कृति में लिखा डॉक्टर दयाराम साहनी ने लिखा तो उनकी बातों को, लेकिन जो उन्होंने लिखा डॉक्टर दयाराम साहनी ने जो भी बातें लिखी उन्होंने फुली एविडेंस के साथ में लिखी, क्योंकि हिस्ट्री को बेटा हिस्ट्री तब सच्चाई मानी जाती है तब जब हिस्ट्री डिपेंड्स करती हो किसी एविडेंस पे, ओके। तो बेटा मैंने आपको ये सभी बातें क्यों बताई, जबकि ये जो हमारा जो है हाउ व्हेन एंड वेयर, ये कब कैसे और कहां, जो ये इसलिए बताई क्योंकि बेटा आपको पता चले, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको अभी से बता दूं पीरियडाइजेशन का मतलब या अभी डायरेक्ट, तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आ पाता, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि हमारी हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से लिखा गया, अलग अलग लोगों ने लिखा गया, अलग अलग टॉपिक पे लिखा गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब भारत में अंग्रेज आए, ब्रिटिश पीपल यहाँ पर आए, तो आपको पता होगा या हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में हमने डिक्लेयर किया था या डिफाइन किया था, डिस्कस किया था हमने कि वो यहाँ पर आए और हमारे कल्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया, हमारे
जो कस्टम्स थे, कल्चर थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो टोटली उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ये अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की। तो इसी तरह से एक ब्रिटिशर ऑफिसर लगा लो, एक तरह से एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत की हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन किया, डिवाइड किया। अब देखना बेटा, ध्यान देना, आपको पीछे से मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल हिस्ट्री, बिल्कुल एशियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया था कि अलग अलग हिस्ट्री लिखी थी। अब मैं बात करता हूं कैसे, अब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश टाइम की। अभी जो बेटा मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको सारी बताई थी, जितने भी ट्रैवलर्स आए थे और भी जितने भी ट्रैवलर थे, वो सारे कहाँ के थे, वो मुगल काल के थे, कोई मौर्य काल के थे, कोई मौर्य एम्पायर के थे, कोई मुगल एम्पायर के थे, ठीक है, अलग अलग थे। अब ये जो पीरियडाइजेशन हुआ ये ब्रिटिश टाइम में हुआ था। अब ब्रिटिश टाइम में क्या थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर लगा लीजिए, ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसका नाम था जेम्स मिल। ये जेम्स मिल कब आए, इन 1817 में आए, 1817 में आए। जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, वो काम करते थे ब्रिटिश के लिए, लेकिन वो थे कहाँ के, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट किसे बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं उन लोगों को जो अर्थशास्त्री होते हैं, मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड अपने एक्टिविटी काम करते हैं या उनसे उनको लेकर के पॉलिसीज बनाते हैं कि कितना हमें इम्पोर्ट किया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्या बिजनेस चलाना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, किस तरह का बिजनेस होना चाहिए। तो वो अपनी एडवाइस करने वालों को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि एक तरह से आप ये लगा लो एक तरह से व्यापारी टाइप के, यानी व्यापारी लोगों को अपनी राय देने वाले इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। वो क्या थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। कौन होता है बेटा, पॉलिटिकल फिलोसोफर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पॉलिटिकल, राजनीति के ऊपर में, पॉलिटिक्स के ऊपर में अपनी सोच बताता है कि ऐसा होना चाहिए। फिलोसोफर कौन होते हैं बेटा, फिलोसोफर वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी सोच के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू नए नए डायमेंशन बताते हैं कि पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, हमें पॉलिटिक्स के अंदर में इस तरह से करना चाहिए तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल के ऊपर में सोच विचार करते रहते हैं, उनके बारे में समझते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसोफर। अगर बेटा अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स हैं भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ऐसे ही एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। कौन थे बेटा, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। ये क्या थे बेटा, एक पॉलिटिकल मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये क्या था बेटा, एक लॉर्ड, ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और उन्होंने अपनी सोच बताई कि हमें अगर राज करना चाहिए तो उसको डिवाइड कर देना चाहिए, किसको, हमें जो पावर से उसको डिवाइड कर देना चाहिए, किस किस में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। और बेटा इनकी इस सोच को इन्होंने बताया कब था, 1748 में बताया था। कब बताया था बेटा, इन्होंने आइडिया दिया था 1748 में। अब आप देखो इनके आइडिया को आज हमने आज भी फॉलो किए हुए। तो इसी तरह से फिलोसोफर क्या करते हैं बेटा, सोच बताते हैं अपने पॉलिटिक्स के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में, सिविक्स के ऊपर में, समाज के ऊपर में। तो ये भी क्या था बेटा, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने, ठीक है, पब्लिश ए मैसिव वॉल्यूम ऑफ वर्क। उन्होंने क्या किया, जो जेम्स मिल 1817 में, 1817 में जो भारत में आए, ठीक है, जेम्स मिल भारत में आए थे, इन 1817 में भारत में आए थे, ठीक है, जेम्स मिल आए, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या किया, एक पब्लिश किया ए मैसिव 3 वर्क्स वॉल्यूम। उन्हें भारत की जो हिस्ट्री थी उनको 3 वर्क्स वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया। भारत की हिस्ट्री को कैसे डिवाइड कर दिया, उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, कैसे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को कैसे करते बेटा, बांट दिया, जो ब्रिटिश
ब्रिटिश, मैंने कहा एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे, जब ब्रिटिश भारत में आए थे उनके आने के टाइम से लेकर के उनके टाइम तक जब तक कि वो वहां पर रहे या वो वहां पर रह रहे थे, उस हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन दिस डिवाइडेशन इन सॉरी इन ही इन इन दिस इन दिस ही डिवाइडेड उन्होंने क्या किया इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने भारत की हिस्ट्री को कैसे बांटा इंटू थ्री पीरियड, तीन पीरियड के अंदर में उन्होंने भारत की हिस्ट्री को बांट दिया। पहला पीरियड क्या था, उन्होंने कहा फॉर हिंदू, सेकंड मुस्लिम, और तीसरा क्या था, ब्रिटिश बोल दो या फिर उनको क्रिश्चियन बोल दो, ठीक है, या अलग अलग ब्रिटिश यानी भारत की हिस्ट्री को बेटा उन्होंने कैसे बांटा, तीन हिस्सों में बांट दिया, हिंदी हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन भागों में उन्होंने क्या कर दिया पीरियडाइजेशन कर दिया भारत की हिस्ट्री को, भारत की हिस्ट्री को क्या कर दिया पीरियडाइज कर दिया कि ये मुस्लिम की हिस्ट्री है, ये हिंदू की हिस्ट्री है और ये ब्रिटिश की यानी क्रिश्चियन की हिस्ट्री है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने तीन हिस्सों में भारत की हिस्ट्री को बांट दिया। अगर आपसे या आपकी आप अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जेम्स मिल ने हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे किया, तो पीरियडाइज उन्होंने तीन हिस्सों में किया, कैसे, हिंदी हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन, ये जो डिवाइडेशन हुआ भारत ये हिस्ट्री का, दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। बट क्या था बेटा इसके अंदर में, इस को एक्सेप्ट तो कर लिया गया लेकिन कुछ हिस्टोरियंस थे जिनके मतभेद थे, जिनको लगा कि भारत की हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में बांट करके या छोटे से कुछ एक पीरियडाइज करके इसको कंसेप्ट को खत्म नहीं कर सकते। भारत की हिस्ट्री एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसको एक या दो तीन चार भागों में या पार्ट्स में डिवाइड करके हम भारत की हिस्ट्री को ब्रॉड जो कंसेप्ट है, एक बहुत लंबा इतिहास है, इसको हम ऐसे नहीं बांध सकते। तो इसलिए कुछ हिस्टोरियंस थे जो बेटा इस पीरियडाइजेशन से खुश नहीं थे या उनको ठीक नहीं लगा, वो मानते थे कि ऐसा नहीं ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू मिल ओनली, अब वो क्या समझते थे उन्होंने, देखो पीरियडाइजेशन को क्या था बेटा, कुछ हिस्टोरियन ने नेगलेक्ट कर दिया था जो भारत के हिस्टोरियन थे, ठीक है, लेकिन क्या था बेटा, जो जेम्स मिल का मानना क्या था, उनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू मिल ओनली ब्रिटिश रूलर रूल्स, अकॉर्डिंग टू मिल ओनली ब्रिटिश रूल कल्चर एंड लॉस कुड मेक इंडिया मोर सिविलाइज्ड। आई बात समझो बेटा, वो मानते थे अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश का कल्चर है, ब्रिटिश के जो रूल्स हैं, वो भारत को मोर सिविलाइज्ड बना देंगे। अच्छा, कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब है कि हम जानवर हैं, हम पागल हैं, है हमारा कोई कल्चर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे समझते थे जो हिंदू कल्चर है, जो ये कल्चर है इंडियन से, ये बेकार है, इनके अंदर में कोई नॉलेज नहीं है, ये पुअर है, ये कल्चर लेस है, इनके पास में कोई एजुकेशन नहीं है, इनके पास में कोई किसी तरह की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को, हमारी हर चीज़ को बेटा वो क्या करते थे, नेगलेक्ट करते थे। और जेम्स मिल ये बोलते थे कि ब्रिटिश रूल है और उसके जो कल्चर है और उसके जो लॉज हैं, उनके नियम हैं, ठीक है, वो क्या मानते थे, वो कहते थे भारत को कुड मेक इंडिया मोर सिविलाइज्ड, भारत को मोर सिविलाइज्ड कर देंगे। अब सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य बनाना, मतलब कि अच्छा बनाना, समझदार। अब हम सिविलाइज्ड किसे बोलते हैं, जिसको बोलने की तमीज हो, जिसे कपड़े पहनने की तमीज हो, जिसे खाने की तमीज हो, जिसे चलने की तमीज हो, कहने का मतलब था उसे हम क्या बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा हो उसे बोलते हैं हम सिविलाइज्ड पर्सन। अच्छा, आपका मानना ये था कि हम सिविलाइज्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल वो समझते थे कि इंडियन पीपल सिविलाइज्ड नहीं है, और उनको सिविलाइज्ड कौन बना सकता है, उनको बना सकता है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के कल्चर, ब्रिटिश के लॉ,
वो ये मानते थे कि भारत को मोर सिविलाइज बना देगा, जबकि ऐसा नहीं था बेटा। भारत पहले से सिविलाइज था, बस ये था कि हम अपने कल्चर को फॉलो करते थे, हम उनकी तरह कोट पैंट पहन के नहीं घूमते थे। वो समझते थे कि जो कोट पैंट और टाई लगा करके घूमता है वो सिविलाइज्ड है, ठीक है, धोती कुर्ता पहनने वाला वो अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, जो इंग्लिश बोलता है वो सिविलाइज्ड है, जो हिंदी बोलता है वो अनसिविलाइज्ड है, जो नीचे बैठ करके खाना जमीन पे बैठ के आराम से खा रहा है वो अनसिविलाइज्ड है, जो बेंच के ऊपर बैठ करके और चम्मच प्लेट से खा रहा है वो सिविलाइज्ड है। तो बेटा हमारे कल्चर को उन्होंने चेंज करने के लिए हमें कई तरह की उन्होंने इन्फ्लुएंस किए। तो क्या इट हैज बीन आर्गुड बाय द मेन हिस्टोरियंस। अब ये जो क्या था बेटा, ये कई हिस्टोरियंस ने आर्गुड किया, कई हिस्टोरियन, इट हैज बीन आर्गुड बाय मेनी हिस्टोरियंस, बहुत से इतिहासकारों ने आर्ग्यूड हुआ दैट इट इज नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज, कि जो जेम्स मिल ने कहा था, कि जो आपने कहा कि जो पीरियडाइज कर देना चाहिए, कितने भी तीन हिस्सों में पीरियडाइज कर देना चाहिए, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई हिस्टोरियंस ने क्या किया, मना कर दिया दैट इट इज नॉट करेक्ट पीरियडाइज, जो आपने पीरियडाइज किया है भारत की हिस्ट्री को वो गलत है। द इंडियन हिस्ट्री ऑन बेसिस on the basis of religious of the ruler, religion of the ruler, religion of the ruler को के बेस पर, उनके आधार पर हम भारत की हिस्ट्री को periodize नहीं कर सकते, क्योंकि भारत क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम कई ऐसे टाइम भी था हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, हमारे भारत की जो फाइटिंग हुई, रेवोल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के अंदर में बेटा क्या था, उस रिवॉल्यूशन के अंदर में था, उसके अंदर में मोमेडंस भी काम कर रहे थे, हिंदू भी मिलकर के उसके अंदर में अपना एफर्ट्स लगा रहे थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम दोनों अलग 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 कर दें, उनकी हिस्ट्री को ही अलग कर दें, बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं भी बेटा ये मानता हूँ कि हिस्ट्री जो मेन हिस्टोरियन थे इज नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज, उस पीरियडाइज को ठीक नहीं मानते थे, जो लास्ट के जो कुछ हिस्टोरियन थे इस पीरियडाइज जो जेम्स मिल ने किया था उसको ठीक नहीं मानते थे। द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन ऑफ रूलर्स, रूलर्स के हिसाब से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे रूलर्स कौन थे, पहले मुगल आए फिर ब्रिटिश आए, तो उनकी मुगल की हिस्ट्री को अलग कर दिया और ब्रिटिश की हिस्ट्री को अलग कर दिया, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आई डू होप कि बेटा ये आपको समझ में आया होगा हाउ द जेम्स मिल पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन थर्ड लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।